दूसरे बड़े महानायक स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन का भी हम लोग यहाँ पर जयंती मना रहे हैं। भारत भूमि पर स्वामी विवेकानंद जी से ज्यादा बड़ा राजनीतिक न तो पैदा लिया है, अभी तो वर्तमान में नहीं है, भविष्य की बात तो मैं नहीं करता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी कुछ बातें जो मेरे स्मरण में है मैं आप लोग के बीच में रख रहा हूँ। आप लोग स्वतः निर्णय करेंगे कि जो इनके विचार थे वो तो कितने क्रांतिकारी विचार थे। स्वामी विवेकानंद जी ने यह भारत के युवाओं से, आम भारतीयों से यह आग्रह किया था कि वो भारतवासियों उठो जागो, कुछ वर्षों के लिए अपने सभी देवी देवताओं, मस्जिद, गिरजा जो भी है सबको अपने अपने घरों में कैद कर दो। इस देश की, इस भारत भूमि के बड़े बड़े जो औद्योगिक कारखाने होंगे वही इस देश के मंदिर, मस्जिद और गिरजा होंगे। जो उसकी वर्कर होंगे वो उसके पुजारी होंगे और जो उन औद्योगिक कारखानों का जो प्रोडक्शन होगा वह भारत भूमि का सबसे बड़ा प्रसाद होगा। हमारे भारत में औद्योगिक क्रांतियां आज तक नहीं हो पाई। दास विवेकानंद जी इन विचारों को हम लोग अमल में लाए होते तो आज भारत निश्चित तौर पर विकसित राष्ट्र के रूप में दिख रहा होता। मैं बचपन से खुद पढ़ता आ रहा हूँ, अर्थशास्त्र भी मैंने पढ़ा है और विकासशील देश, विकासशील देश, विकसित देश और विकसित देश। हम लोग विकासशील देश भी अपने आप को जब कहेंगे तो कहीं ना कहीं शर्म आ जाएगी क्योंकि हमारे यहाँ कोई औद्योगिक क्रांतियां नहीं हुई किसी भी फील्ड में। आज भी यदि सेना का ही मान लीजिए तो हम लोग निर्भर करते हैं अमेरिका के ऊपर, जर्मनी के ऊपर, रूस के ऊपर, फ्रांस के ऊपर। वहां की जो सामरिक हथियारें पुरानी पड़ती है वो हम लोग खरीदते हैं और सेना तान कर कहते हैं कि हमारी सेना शक्तिशाली हो गई, शक्ति बढ़ गया। कोई भी आदमी जब अपने यहाँ जब कोई निर्माण करता है तो सबसे पहले वो अपने हित को देखकर अपने लिए इस्तेमाल करेगा, अपने से इस्तेमाल से जब इसको ज्यादा हो जाएगी तो आपको हमको देगा। तो हम लोग आज भी आजादी के 73 साल बाद भी विदेशों पर निर्भर करते हैं अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए।